आइए आज हम जो है ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन क्या है और कैसे इसके ऊपर में जो है ग्राइंडिंग का काम किया जाता है। जैसा कि आप इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बेंच ग्राइंडिंग मशीन है, ये फिक्स रहता है और किसी भी जॉब के ऊपर में जो फालतू मेटल होता है उसको हटाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो व्हील लगे हुए हैं, एक आपका आप देख रहे हैं इसमें जो है एकदम महीन दाना है, ये जो है बारीक बारीक ग्राइंडिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, ये बारीक धार बनाने के लिए जो है ग्राइंडिंग करने के लिए इस व्हील का प्रयोग किया जाएगा। जबकि इधर वाला जो आप देखते हैं ये खुरदरा टाइप का है, इसका उपयोग जो होता है रफ यानी ज़्यादा मेटल, ज़्यादा मात्रा में अगर मेटल को हमको घसना होगा, निकालना होगा तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इस मशीन का उपयोग जो है आपका फीटर विभाग में मुख्य रूप से किया जाता है और इसके ऊपर में हम जो है जॉब बना के भी आपको दिखाएंगे कि किस अनुसार से जो है इसके ऊपर में ग्राइंडिंग किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे ऑन करके जो है इसके ऊपर में हम काम कर सकते हैं। ये इसका स्विच दिया गया है, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे ये देखिए आप रन कंडीशन में आ गया। अब जो है जब ये पूरा फुल पिकअप पकड़ लेगा तो उसके ऊपर में जो है फिर उसके बाद हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मशीन स्टार्ट किए और तुरंत लगा दिए, तो इससे जो है मशीन के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जो है फिर काम करने में भी सुविधा होता है। ये गार्ड लगा हुआ है, इस गार्ड के सहारे जो है हम देखते हैं कि ये जो चिंगारी होगा ये बाहर की ओर नहीं आएगा। इसके ऊपर में हम धार बनाते हैं, ये सेफ्टी गोगल पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि सेफ्टी गोगल रहेगा तो जो है ना आपका जो जो लोहा का कण कटेगा तो इसके जो है आपके आंख में पड़ने का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए ग्राइंडिंग करते समय हमेशा जो है सेफ्टी गोगल का प्रयोग करना जरूरी है। क्या होगा का काम जो है जरूर सेफ रहेगा। ये देखिए मेरा एक चाकू बन के तैयार हो गया, ये हेक्सा ब्लेड से बना हुआ चाकू है, इससे सब्जी वगैरह सब काटने में बहुत आसानी होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका धार मिलता नहीं है, जितना भी इसके द्वारा सब्जी या काटिएगा उसका धार जो है ठीक है। ये तो हम आपको चाकू बना के दिखाए, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपको दिखाते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण ये जो आप देख रहे हैं ड्रिल बिट है, ये ट्विस्ट ड्रिल है, तो इसका जब हमको धार बनाना होता है जिसमें देखना होता है कि इसका क्लियरेंस एंगल जो होना चाहिए 118 डिग्री होना चाहिए, 118 डिग्री से ज़्यादा होगा या कम होगा तो फिर कटिंग करने में दिक्कत होगा। तो इसको भी हम ग्राइंडिंग जो है इसके माध्यम से हम करते हैं, यही तरह से इसके में ग्राइंडिंग करते हैं। हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं इसका चीजल है, चीजल का भी अगर हम सुधार बनाना होना चाहिए।
हम सब सीखे कि ग्राइंडिंग कैसे किया जाता है ग्राइंडिंग मशीन पर। और इसी तरह का और सब वीडियो आप सबको चाहिए तो इसी तरह से शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, क्योंकि हम लोग का भी मनोबल जो है थोड़ा सा बढ़ता है। वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, मेहनत लगता है, आप सबके लिए हम इतना प्रैक्टिस करके वीडियो बनाते हैं। तो आप सब चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए और हम लोग का सहयोग दीजिए और अपना जो है सीखिए इसको, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में जो है फिर हम मिलेंगे। अब इसको ऑफ करते हैं, जैसे मशीन को ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ करेंगे और फिर इसका पीछे में दिया गया यहाँ से भी बंद। थैंक यू।